गाड़ी चली है। रुक क्यों गया? चलो चलो चलो। काफी बड़े सबमरीन है, यही काम करना है हम लोग। हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे लाने के लिए हमें बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अरे ज्यादा बक बक नहीं करने का, जितना कहा जाए उतना ही करो। वॉक इट, चलो प्लीज। हम इंजीनियर लोग हैं, हमको गन दिखा रहे हैं। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें क्या है? कहा ना, अपने काम से काम रखो। चलो वॉक इट, बात बात पे गन दिखाता है। चलो चलो, बहुत गंदी खाती है। बाप लोग आराम कीजिए, बॉस आएंगे आपसे मिलने। और हाँ, बिना परमिशन के बाहर घूमना मना है। आप लोग भी इंजीनियर्स हैं? कुमार, अशोक कुमार, मरीन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर है? जी हाँ। क्या नाम है? मैं रवि, ये अमित। यहाँ होता क्या है? स्मगलिंग का काम है इनका, बहुत खतरनाक लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसा बंधक इधर? मैं, अमित, विराज और सिद्धार्थ, और भी कुछ लोग हैं, और अब आप लोग आ गए हैं। बाकी लोग किधर हैं? देखने शायद कंट्रोल रूम। हम लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते हैं, अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? थोड़ी हिम्मत रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। चलो भाई दया, देखा जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर देखते हैं, आप लोगों को गोली मार देंगे वो। आप हमारी फिक्र मत करें, जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं हम। और जो है वो तो बाद में दिखेगा। सुनो, 2 घंटे में अगले माल की डिलीवरी है, सारे क्रेट्स रेडी है ना? जी बॉस। चलिए करो अभिजीत। क्या हुआ? काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ इसे? मैसेज जा ही नहीं रहा है। सर ये ट्रांसमीटर यहाँ काम नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? सारे लोगों ने कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये मैसेज बाहर कैसे भेजते हैं लोग? कंट्रोल रूम से सर, लेकिन उसका भी कोई पासवर्ड है। सर फिर हम एसीपी सर तक मैसेज कैसे भेजेंगे? सर कोई रास्ता नहीं है, ना तो हम लोग यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं। यहाँ आए थे दूसरों को बचाने, खुद फंस गए। अरे सर क्या करेंगे? जब तक जिंदा है रास्ता भी है। सर, जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अन्या के कैंसर के बारे में बताया था, डॉक्टर रघुवीर, वो सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करता। क्या मतलब, कोई नकली डॉक्टर बनकर घुस गया था हॉस्पिटल में? सर हमने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात की, मगर वो कुछ बता नहीं पा रहे। अन्या, तुम तो उस डॉक्टर से मिली हो, उसका हुलिया तुम्हें याद होगा, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। सर नहीं याद है, मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, वो भी तब जब मैं दवाओं के असर से नशे की हालत में थी। कुछ भी नहीं याद है मुझे। अन्या ऐसे कहकर नहीं चलेगा, जरा याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, प्लीज याद करो। सर लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है, इस सिद्धार्थ को बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसाया गया है सर। हाँ सर, भैया जब मुझे
हॉस्पिटल में लेकर गए थे एडमिट करने के लिए, तब उस हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ उनकी बहुत बहस हुई थी। किस बात के लिए? पैसे को लेकर के। हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट बहुत पैसे मांग रही थी, यही कोई एक लाख रुपए। एक लाख? और तभी दो अनजान आदमी आए जिसको कभी हम और भैया कभी नहीं देखे थे इससे पहले, और उसने तुरंत 1 लाख रुपए टेबल पे रखा, और उन्होंने ना रिसेप्शनिस्ट को भी बहुत डांटा था, कहा कि पहले से एडमिट करो, बाद में फॉर्म वॉर्म भरते रहना। सर, कोई अजनबी आदमी किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा? जरूर वो दोनों उसी गैंग के लोग हैं, उसी गैंग के। अच्छा, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें तो पहचान सकती हो ना? सर, रिसेप्शनिस्ट, उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस हुई थी उन दोनों की, रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा उनको। मैं अपनी बहन को कभी नहीं बचा पाऊंगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बहन को सिद्धार्थ, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। क्या? हाँ, वो कैंसर वाली बात एक साजिश थी तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो इस सबमरीन में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, घबराओ नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं सर, चारों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। तुम दोनों में से कोई सबमरीन को सरफेस तक ले जा सकते हैं? हाँ सर, हमारा दूसरा इंजीनियर है ना विराज, वो ले जा सकता है सर। विराज? हाँ, लेकिन वो हमें कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। मगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी तरीके से एसीपी साहब के पास मैसेज पहुंच जाए तो फिर सबमरीन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। स्मगलिंग? वो स्मगलिंग का सामान वो जो यहाँ से लेकर जाते हैं वो लोग, ड्रग्स वगैरह, वो क्रेट्स कहाँ रखते हैं वो लोग? सर, वो क्रेट्स एक कमरे में रखे हुए हैं, कमरा बंद है और बाहर से ताला लगा रहता है। चाबी किसके पास है? चाबी सर एक गार्ड के पास है, उससे क्या होगा सर? वो सब छोड़ो, बताओ गार्ड कहाँ पे है, चलो आइए मेरे साथ। उस तरफ चल। आइए सर, जैसे ही मैंने इससे कहा कि बिना डिपॉजिट के इसकी बहन को एडमिट नहीं कर सकते हैं, मेरे से बहस करने लग गया। वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, आपके अंदर जरा भी दया नहीं है। फिर दो लोग आए और 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो फिर तुम इन दोनों के स्केचेस बनवाओगे हमारे लिए। यस सर। गोली नहीं चला रहा, हम लोग अब तुम्हारा दुश्मन नहीं।
तो दोस्त है। दोस्त? कैसे दोस्त? वो हमने सुना है कि तुम्हारे अम्माल एक नंबर का मिलता है भाई। दिखाओ पैसे। hey, सवाल हो भाई। ए, क्या रे बंटी, कौन है रे ये लोग? ए शाणे, मार्केट में नया आया है क्या? हाँ चल जा, 10-12 बैग ऐसा भर के और लेके आ, चल फट। 1000 बैग हमारा बॉस लेके आ रहा है। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूँ इनका बॉस। एसीपी धोखा, तेरी दोस्त। किसके लिए काम करते हो तुम? किसके लिए काम करते हो तुम? सर उसका नाम हमें पता नहीं है सर। बोलो कहाँ मिलेगा वो? सर वो खुद ही मिलते हैं जब उनको जरूरत होती है तब। पंडुबी का लोकेशन क्या है? सबमरीन कहाँ पर है बताओ जल्दी। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। हमें बोट से ड्रग्स की डिलीवरी हो जाती है और हमारा काम सिर्फ ड्रग बेचना है सर। हाँ सर, हमारा पंडुबी और ऊपर के लोगों का से कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ भी नहीं मालूम बॉक्सेस में क्या है। क्या उसमें? और सर कल समंदर से ड्रग्स का माल आया सर। माय गॉड, एक मिनट सचिन ये देखो। देखो यहां पर खरोंच की लिखा है एडीपी अभिजीत, दया, पंकज। हाँ अभिजीत, दया, पंकज, AH0000N के लिए क्या है? F. हाँ F, और एक बार F00000E 2 PM। हाँ 2 PM, मतलब 2 बजे। अभिजीत और दया जानते थे कि ये ड्रग्स उस सबमरीन से यहाँ आने वाले थे। सर ये जो इतने सारे अक्षर हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है? दिमाग में एक ही बात आ रही है श्रेया, ABCD में 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर A की वैल्यू 1 है तो A, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7 और H 8, तो अगर 1 8 18, N और F तो 6 है, 6 6, E लगता है ये कोऑर्डिनेट्स है 18 डिग्रीज नॉर्थ और 66 डिग्रीज ईस्ट। ये सबमरीन जरूर इसी कोऑर्डिनेट्स पर थी जब हमारे लोगों ने ये मैसेज भेजा है। सर लोकेशन का पता लग गया सर। तो हो गया कि अब तक आए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉक्स पे कोऑर्डिनेट्स मिले थे हमें वो हमें गुमराह करने के लिए? नहीं सचिन नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स अभिजीत ने तो दया नहीं लिखे एक ही बॉक्स पर हमारे लिए प्लान पता चलने के बाद। सचिन जैसे ये वो उनसे मिलने जा रही है, चुप जाओ। पीछा करें आप पीछा तो करेंगे सचिन, मगर धीरे धीरे
इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम सीआईडी वाले के काफी अंदर में। बोलो निखिल को बोलो। निखिल एक काम करो, बोट वाले को बोलो कि इसके पीछे आए। देखो अपनी बोट उनके पीछे लेके चलना, लेकिन सावधानी से। लंगर डाल दिया, यही यही पर डील होने वाला है। बॉस ये बोट कब से अपना पीछा कर रहा है? अरे ये तो सीआईडी है, निकलो यहाँ से। ये तो सीआईडी है, लगता है ऐसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। बॉस निकलो। अपना डिलीवरी का क्या करना है? अरे डिलीवरी को मार गोली, नहीं तो सीआईडी जेल में हमारी सब्जी डिलीवरी देगी। चलो तुम में से सीआईडी को किसने खबर दी थी? चुप रहोगे तो सबके सब मारे जाओगे, इसलिए बेहतर है कि बता दो कौन है वो खबरी। हम लोग खबर कैसे दे सकते हैं? हम तो वही करते हैं जो जो आप लोग हमें ऑर्डर करते हैं। हाँ विराट सही कह रहा है, यहाँ से बाहर खबर भेजने का कोई जरिया ही नहीं है। मैं पांच तक गिनूंगा, उसके बाद मैं नहीं मेरी बंदूक की गोली बोलेगी। एक दो तीन चार और पांच। लगता है सबके सब मरना चाहते हैं। ठीक है तो कहां से शुरू करें, तुमसे या तुमसे या फिर तुमसे? सर मुझे लगता है वो सिद्धार्थ खबरी है। कुछ देर पहले मैंने उसे कंट्रोल रूम में कुछ करते हुए देखा था। तो ठीक है पहले तुमसे ही शुरू करते हैं। ये क्या हुआ? सर मैंने रेडिएटर में ऑयल डाला था ताकि इंजन ओवरहीट हो जाए और सबमरीन बंद हो जाए, लेकिन ये तो बुलेट लगने से फट गया। अब क्या हुआ? अब क्या सर, अगर ये फिक्स नहीं हुआ ना तो सबमरीन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मतलब मरना तय सर। पंकज रवि सबको अंदर चैम्बर में बंद कर दो। ओके हम लोग देखते क्या कर सकते हैं। चलो 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 पता कौन है तेरा बॉस और कहां पे आने वाली है वो सबमरीन, बता जल्दी। नहीं बताएगा, अगर जल्दी जल्दी नहीं बताया ना तो फिर ये सारी की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? मारना चाहते हो हमें, मार डालो, लेकिन सबमरीन और हमारे बॉस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं। तुझे तो मारूंगा और
साथ साथ तेरे बॉस को भी समझे। सिद्धार्थ, किसी भी तरह सबमरीन को सरफेस तक ले जाने की कोशिश करो जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, पाइप तो फिक्स हो गया मगर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डैमेज हो गए, वो काम नहीं कर रहे। अरे कैसी आवाज है? सर सब मरीन में दरार आ गई सर, पानी तेजी से नीचे आ रहा है। पानी अंदर आ रहा है? यस सर। अरे अगले चैम्बर का डोर बंद करना पड़ेगा वरना हम भी डूब जाएंगे सब मरीन के साथ। हाँ हटो। रवि शट डाउन द सेकंड इंजन, प्रेशर चेक करो तुरंत। सर मैंने सबमरीन को स्टडी तो कर दिया है पर वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है, अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है सर, इससे पहले कि सबमरीन और 100 फीट पानी में नीचे चली जाए हम लोगों को निकलना पड़ेगा सर। किसी भी हाल में हमें यहां से पहले निकलना होगा। पंकज ये काम करो, स्कूबा सूट पहनो सबको और तैयार रखो, जल्दी चलो जल्दी जल्दी जा, संभल के संभल के संभल के, यहां से बाहर कैसे निकलेंगे हैं? सर सर ये अंदर वाला हैच है, इससे बाहर निकलेंगे हम, इसे बंद करके फिर ऊपर वाले हैच से निकलेंगे। सर जैसे हम ऊपर वाला हैच खोलेंगे पानी अंदर आने लगेगा और फिर हम पानी के सहारे तैरते हुए इस सबमरीन से बाहर निकल जाएंगे सर। ठीक है ये वाला हैच खोलो। क्या हुआ सर? ये खुल क्यों नहीं रहा है सर? समझ गए वहां उसको जाम कैसे हो गया? सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर वो धमाका किया था। जानबूझकर? हाँ सर, सर उसने इस हैच को बाहर से बंद किया, ब्लास्ट किया और फिर सबमरीन से बाहर चला गया और हमें मौत के मुंह में छोड़ के चला गया। सर सर चलिए सर, हम लोग रेडी हैं। थोड़ा मामला मुश्किल है, किसी ने ऊपर से हैच को बंद कर दिया जानबूझ के। सर ये कैसे हो सकता है सर, ये लोग तो अंदर बंद थे फिर हैच किसने बंद कर दिया? धोखा देके निकल गए, ये सारा खेल उसी ने रचा है। सिद्धार्थ यस सर, अब जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो। कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं सर, सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल फेल हो गए हैं, मैंने मैनुअल कंट्रोल के जरिए बस इसे नीचे जाने से रोक रखा है। और कितनी देर रोक पाओगे सिद्धार्थ? हमारा मरना तो तय है। अभिजीत, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जिंदगी भर हमने साथ में ड्यूटी की, अब मौत आई है तो
वो भी साथ में। यार अगर दूसरा जन्म होता होगा तो फिर मिलेंगे। सर मैं हमेशा आप दोनों के ऐसा बनना चाहता था सर। बहुत नसीब वाला हूं सर मैं, मेरा टाइम ही सही मगर आप दोनों के साथ काम करने का मौका मिला सर। सीआईडी को सैल्यूट है सर। सर आप लोगों ने हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हाँ सर, आप जैसे अच्छे लोगों की याद लेकर जाएंगे हम इस दुनिया से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सर। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, डूब जाने दो उसे। अभिजीत, आवाज आ रही है। दया, अभिजीत मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर, सर आवाज आ रही है। सर हम लोग यहाँ पे सबमरीन में फंस गए और सबमरीन इस हालत में नहीं के ऊपर आ सके। देखो हिम्मत मत हारना बिल्कुल। देखो तुम लोगों को बचाने के लिए मैं स्पेशल स्क्वाड के साथ एक सबमरीन भेज रहा हूँ। सबमरीन? कोई रिस्क मत लेना तुम लोग। सर सर लेकिन हेलो हेलो सर, सबमरीन आ रही थी। अभिजीत अब मौत को हारना होगा। सबमरीन को मैनुअली कंट्रोल करना होगा। अगर इसे छोड़ दिया ना सर तो और नीचे चली जाएगी, फिर यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। छोड़ नहीं सकते सर, और कोई रास्ता ही नहीं है, सबके सब मारे जाएंगे। एक काम करो सिद्धार्थ, तुम जाओ मैं रुकता हूं। लेकिन सर सुनो, नहीं मैंने क्या कहा? इट्स एन ऑर्डर, लीव। ठीक है जाओ, जाओ ओके सर, निकलो। ओके सर। ये तुम क्या करेगा? अभिजीत तुम इन लोगों लेके जल्दी ऊपर जाओ, तब तक मैं यहां कंट्रोल करता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं भी रुकूंगा। अभिजीत यार बात को समझा करो, तुम इन लोगों के साथ बाहर जाओ, जैसे ही मौका मिले मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। सर सब डाल चुके हैं सर, हम ही बचे, जल्दी जल्दी सर। जी जल्दी करो, ठीक है जैसे मैं ऊपर पहुंचूंगा मैं इशारा करूंगा। ठीक है तुरंत बाहर आ जाना, चल ठीक है।
5 feet. सर, रुक जाओ। सर ये हमारी तरफ आने की बजाय उस तरफ क्यों भाग रहा है? ओहो, सीआईडी से हम लोग, रुक जाओ। सर ये हमारी तरफ आने की बजाय उस तरफ क्यों भाग रहा है? ओहो, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। बोर्ड आगे लो। कौन हो तुम? विराज। कौन विराज? सबमरीन इंजीनियर विराज। सर उन लोगों ने मुझे भी कैद करके रखा था सर। तो फिर भाग क्यों रहे थे हमसे? सर मुझे लगा कि आप लोग भी उनके साथ मिले सर, इसीलिए सर। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी सर। मैं सबमरीन से ड्रग सप्लाई करवाता था सर, और इंडिया में मेरा इसका बहुत बड़ा बिजनेस है सर। बाकी के लोग कहाँ हैं? सर उन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है सर, वो लोग बोर्ड से बाहर नहीं आ सकते सर। मैंने सबमरीन की आज बाहर से बंद कर दी है सर। हाँ? जी गया कहा? गया दिखने का सर, आता ही होगा। गया आता ही होगा मतलब? अभिजीत गया कहाँ है? हाँ कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अब तक? सब सबमरीन काफी तेजी से नीचे जा रही है, दया उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर रुक गया। पर उन्होंने कहा था कि तो भागो, मैं वैसे आता हूं। अब तो फिर वो कहाँ है? अब तक तो दया को आ जाना चाहिए सर। सर मुझे लगता है कि दया सर निकल नहीं पाए सर। सर वो सबमरीन तो अब तक समंदर में समा चुकी होगी। तब तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर दया को छोड़कर आए? सर आप ये कैसे सोच सकते हैं? दया को मैंने बार बार कहा था मेरे साथ निकल जाए, लेकिन वो माना ही नहीं। ये तुमने क्या किया अभिजीत? कैसे कर सकते हो ये? तुमने दया को मौत के मुंह में छोड़ दिया, खुद बचाकर आ गए अपने आप को। पर सर ये फैसला तो खुद दया सर का ही था ना? यस सर। फैसला चाहे दया का हो, मगर तुम तो वहां थे ना अभिजीत, कैसे दया को छोड़कर आए तुम? सर दया मेरे साथ में काम करने वाला ऑफिसर नहीं है, दया मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो सर कुछ नहीं हो सकता सर। अभिजीत सर, yeah.
क्या? दया! अरे दया! दया सर, क्या हो गया अभी की दया को? अरे उठता क्यों नहीं है ये? दया! दया सर, आपको समझ लिया, आप हौसला आ जाएंगे तो हम अभी दया को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तो? ऐसा प्लीज आगे खोलिए सर। आज तक मैंने न जाने कितने गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाया, जेल की हवा खिलाई, लेकिन आज अगर दया को कुछ हो गया तो मैं भी गुनाह करूंगा, तुझे यही की यही मार डालूंगा मैं। नहीं सर। तो मुझे फांसी पर क्यों ना लटकाए कोई, समझे? मुझे माफ कर दे यार, अपने भाई को माफ कर दे यार, प्लीज ऐसा मत कर यार, प्लीज। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। दया, दया, दया मुझे रूठ गया सर, मैं उसको पानी में छोड़ आया था ना, इसलिए मेरी बात सुन नहीं रहा सर। ये चीटिंग है अच्छा, तूने बोला था तू कभी झूठ नहीं बोलता है, हैं? तुझसे बोला था ना तू मेरे साथ मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा नहीं करता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.